रानी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। खंडवा में रमजान महीने का उत्साह देखते ही बनता है। गौरतलब है कि रमजान के 26वें रोजे की तारीख रमजान महीने की 27वीं रात होती है। इसे सब कद्र की रात कहा जाता है। यह बहुत ही खास और पवित्र रात होती है, जिसमें कहा जाता है कि अल्लाह की मेहरबानी मिलती है। इस्लाम धर्म में रमजान को बहुत ही पवित्र माना जाता है। पूरे महीने समाज जन रोजा रखकर इबादत करते हैं। खासतौर से आखिरी अशरे यानी 10 दिनों का खास महत्व होता है। रमजान की आखिरी 10 रातों के विषम संख्या वाली रातों में कोई एक रात सब एकत्र की रात होती है। इसे महत्वपूर्ण माना गया है और कहा गया है कि 84 साल 4 महीने की इबादत के समान सवाब मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सब एकत्र की रात में अल्लाह की रहमत बरसती है। साथ ही इस खास मौके पर रोजेदार कुरान पाक पढ़ते हैं और इसकी तिलावत करते हैं। सभी मस्जिदों में इमाम और हाफिज साहब को नजराना यानी कि इमाम दिया जाता है। सलूजा कॉलोनी हुसैनी गोसिया मस्जिद के तरावी पढ़ाने वाले हाफिज साहब को 42,000 और इमाम साहब को 36,000 रुपए और मौजिन को 12,000 रुपए नजराना पेश किया गया। घासपुरा बुलंद शहीद मस्जिद के हाफिज साहब को 1,21,000 रुपए नजराना पेश किया गया। कहारवाड़ी मस्जिद के हाफिज को शेर अली खुदा ग्रुप और मुस्लिम नौजवान कमेटी की जानिब से इमाम और मौजिन को 2 बाइक गिफ्ट किया गया और नजराना दिया गया। मदरसा हसमतुल रजा हसमत नगर के हाफिज और इमाम को 22,000 रुपए नजराना दिया गया। साथ ही हिमलीपुरा खानशावली गुलमोहर कॉलोनी पड़ावा गणेश तलाई रामेश्वर रोड सहित सभी मस्जिदों के इमाम को नजराना दिया गया और पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। इस खास मौके पर समाज जन उत्साहित नजर आए और इन्होंने खूब उत्साह दिखाया। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद सकलेन नजार मुशाहिदी, मैं बाराबंकी यूपी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तरावी सुनाने आया था। अल्हम्दुलिल्लाह, इन लोग की मोहब्बतों के ज़रिए से मैं पूरा कुरान सुनाया, इनकी मोहब्बतों ने सुना और बड़ा अच्छा लगा सुना के। और इस मुबारक महीने, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक महीना भी आला व आला है और बड़ा खूबसूरत महीना है। इसमें इबादत भी की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलता है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक महीने की बरकत तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना कम बताएँ उतना कम है। ये बहुत सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारी चीज़ें हैं। पर ये हमारे बाजू में जो खड़े हुए हैं वो इमाम साहब हैं इस मस्जिद के, जो हुसैनी मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको कुछ और भी आपको बताएंगे जी। आप क्या कहेंगे इस रात को लेकर? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मुबारक व मुअज़्ज़म महीना है जिस महीने के ताल्लुक से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह कि इस माह मुबारक के अंदर जिसने दिन को रोज़ा रखा और दिल की खुशनवी के साथ रात को इबादत यानी तरावी पढ़ी तो अल्लाह तबारक व ताला उसको सुभान अल्लाह बख्श देता है, उसके गुनाहों को बख्श दिया जाता है। और फरमाया गया यह मुबारक मुअज़्ज़म महीना है जिस महीने में एक नेकी 70 नेकी में लिखी जाती है सुभान अल्लाह। लेकिन इसमें शर्त वही है, जो उसी को मिलेगा एक के बदले 70 जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम होगा, जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक के कुल जान मानता होगा, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को मानता होगा, जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को मानता होगा। और जितनी जमातें हैं अहले सुन्नत वल जमात के अलावा, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो तबलची हो, चाहे किसी भी फ़िरक़ा बातला का मानने वाला हो, उसके लिए नेमत उज़्मा नहीं है। ये जितनी भी नेमत उज़्मा है अहले सुन्नत वल जमात वालों के लिए है। जिस सरकार ने फरमाया कि ये नेमत उज़्मा इस माह मुबारक में मिलती है
उस सरकार को हम मालिक कुल जानते हैं। उस सरकार को ये नजदी वहाबियों ने अपनी किताबों में मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिखा। इन्हीं वहाबियों देवबंदियों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर एतराज किया कि नबी को इल्म गैब नहीं मालूम था। इन्हीं वहाबियों देवबंदियों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा कि खुदा भी झूठ बोल सकता है। इसलिए इन तमाम नेमत उज़्मा से ये तमाम फ़िरक़े बातिला वाले महरूम है। ये तमाम नेमत उज़्मा अहल सुन्नत वाल जमात को मिलने वाली है सुभान अल्लाह, और मिलती रहेगी। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और सबको इसी मसला को मजहब पर कायम दायम अता फरमाए और इसी पर हमारा सबका खात्मा बिल खैर अता फरमाए। बिस्मिल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मी वा तुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात, ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सब कद्र की रात है। हज़रात, और जिन इस्लामी भाइयों ने इसमें इस नाचिस के लिए कोशिश की है, अल्लाह तबारक तआला इन सब को दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमाए और उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीद शरीफ की ज़्यारत अता फरमाए, हाजिरी अता फरमाए। ये मेरी आप तमाम इस्लामियों के लिए बिलखसूस दुआ है, और आप भी मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो ये बताइए, आज जो रात है और आज गिफ्ट भी दिया गया है हजरत को, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मस्जिदों के इमाम और मौज़िन हजरत, जो कि बड़े गुरबत में ही रहते हैं अधिकतर, हमारे ग्रुप ने चाहा कि इनके लिए भी कुछ देखा जाए। तो हमारे ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी ऐलान कर चुके हैं, आप खुद जानते हो, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने हमारे कारवाड़ी मस्जिद के मौजिन साहब को चुना, और हमारे ग्रुप ने ये चाहा कि हमारे मौजिन साहब को तोहफे में कुछ नया दिया जाए जो कि वो कभी सोच नहीं पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने हजरत शेर अली रदी अल्लाह ताला अनु ग्रुप ने, जो कि हमारा ग्रुप 14 मेम्बरों पर मुस्तमिल है, उन्होंने मिलकर ये तोहफा मोहम्मद इसहाक भाई को तोहफा रमज़ान का तोहफा दिया है गाड़ी। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो तोहफा दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरत अली रदी अल्लाह ताला अनु ग्रुप ने पर्सनल, जो कि इसके 14 मेंबर लोगों ने मिलकर इसको ये तोहफा दिया है, ताकि किसी में और कोई इसका इंटरफेयर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे लैलतुल कद्र की रात है, माह रमजान का 27वां रोजा लग गया है अभी यहाँ से, और ये बड़ी मुकद्दस रात होती है। इस रात के अंदर माह रमज़ान का जो हम तरावी पढ़ते हैं, एक कुरान शरीफ पूरा होता है, एक कुरान शरीफ पूरा होता है, और तरावी पढ़ने वाले जो मौलाना रहते हैं उनको आज नजराना दिया जाता है, और हमारे इमाम साहब को भी नजराना दिया जाता है, मौज्जिन साहब को, यानी जो भी मस्जिद कमेटी की तरफ से, हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से सब नजराने दिए जाते हैं। यहाँ पर मुस्लिम समाज की तरफ से एक बाइक दी जा रही है, हमारे इमाम साहब को दी जा रही है, और एक मौज्जिन साहब को भी एक गाड़ी दी जा रही है, और बड़ी खुशी की बात। और अभी और नजराने के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी इनको दिए जाएंगे, इमाम साहब को, मौज्जिन साहब को दिए जाएंगे। और अभी दुआ हुई जो अमन शांति भाईचारे की दुआ मांगी है इमाम साहब की तरफ से, कि अमन शांति और भाईचारा कायम किया जाए। अकरम जी, हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था, और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नार्मदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर, जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री।